हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड मैग्नेटिज्म से, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाई किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक वायर या किसी कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो किसी कंडक्टर में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी मदद से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस चीज को समझेंगे हम। ओके तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। जो जो इस समय ऑनलाइन है प्लीज रिप्लाई कर दो पहले सबके सब। जो जो इस समय ऑनलाइन है प्लीज पहले रिप्लाई कर दो, जल्दी से रिप्लाई कर दो सबके सब। ओके सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहली स्लाइड जो आपके सामने मौजूद है इस समय, दैट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। सबसे पहली यूनिट जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले आपके सामने आता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं हम लोग। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमको क्या कहा गया, देखो ऑस्टेड क्या था, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बात बताई कि अगर हमारे आसपास कोई एक वायर है, ठीक है, और अगर हम उस वायर में कोई करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, अगर कोई वायर है और उस वायर में करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, समझ रहे हो उस बात को। ऑस्टेड ने सिर्फ हमें इतनी जानकारी दी है, याद रखिएगा ऑस्टेड ने हमें सिर्फ इतना बताया था कि अगर हमारे पास कोई वायर है और उस वायर में करंट है देन देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। इसका जो अब यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो, ये सारी आपके आपको मैं आगे समझाता रहूंगा किस तरीके से सारी चीजें आती हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है आपकी टेस्ला, ठीक है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस। गॉस और टेस्ला के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको मैंने नीचे स्क्रीन पे दे दिया। वन गॉस जो होता है वो होता है 10^-4 टेस्ला के बराबर, ठीक है। ओके ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो इस स्क्रीन को ध्यान से देखना आप सबके सब। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहां से करंट को बिल्कुल हटा देता हूं, जैसे देखो इस समय यहां पे करंट नहीं है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास, लेकिन जैसे ही वायर में करंट आता है वैसे ही डिफ्लेक्ट। और देखो एक और चीज, जैसे ही वायर में जो करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ऑब्जर्व करो ध्यान से, ठीक है। अगर वायर में कोई करंट नहीं है तो उसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं है, जैसे ही वायर में करंट इंट्रोड्यूस होता है वैसे ही उसमें डिफ्लेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। देख पा रहे हो सबके सब, ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। ये था हमारे पास बायोट सैवर्ट लॉ, ये था हमारे पास पूरा का पूरा बायोट सैवर्ट लॉ, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्टेड, उसके बाद ओके ये था हमारे पास ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोट सैवर्ट लॉ के बारे में, ठीक है। बायोट सैवर्ट लॉ, देखो बायोट सैवर्ट जो थे वो हमारे दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने हमें ये बताया। देखो ये चीज हमें किसने बताई थी, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी वायर में अगर करंट होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बात तो हम समझ गए हैं ना, ऐसा कैसे होता है ये चीज हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बात हमें ऑर्स्टेड ने बताई, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बात हमें बायोट सैवर्ट ने समझाई। बायोट सैवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिनको मैंने आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्टों ने हमें ये बात समझाई थी कि अगर मेरे पास कोई एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उस वायर के कारण जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस फील्ड को मैं कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है। जो स्क्रीन पे आपकी थ्योरी है प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, ये आपके सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके काम आने वाले हैं, ठीक है, साथ साथ करते रहो इसे। तो दोबारा बोल रहा हूं, ऑस्टेड ने हमें ये बात समझाई कि किसी भी वायर के आसपास अगर किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ये बात किसने समझाई हमें, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमें ये बात समझाई गई। बायोट सैवर्ट ने हमें बताया कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो बात हमें किसने समझाई, बायोट सैवर्ट ने। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, डीबी इक्वल टू म्यू अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, सबको दिख रहा है ये डायग्राम। ये देखो डायग्राम सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है,
इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर मान लो जैसे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिया गया है, ओके निहार के एंड देवेंदर इज देयर, ओके देखो ना, लेट्स से मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरीके से वायर है और मुझे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट टी पर, ठीक है। अब मान लो ये जो डिस्टेंस है यह है आपका आर और ये जो मैंने इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है यह है आपका आई, सब देख पा रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो यहां पर जो डी भी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। और दूसरी बात, यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लो, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, मान लो इसको मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया डीएल और ये जो एंगल बना रहा है यह है आपका थीटा। तो यहां पे आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो तो जो db है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जैसे जैसे हम इस p पॉइंट से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है और मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा है, तो देखो डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया ऑलमोस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो और कम हो जाएगा। तो db इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, ये जो फॉर्मूला अगर आप इन तीनों को एक साथ लिखोगे, db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, db is directly proportional to dl sin theta and db is inversely proportional to r square, अगर मैं इन तीनों चीजों को एक साथ लिखता हूं तो जो db होगा वो किसके बराबर होगा, idl sin theta upon r square के बराबर, ठीक है ना। यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। इस और यहां से जो proportionality का साइन है, ये इस proportionality के साइन को हटा के हम यहां पे क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये म्यू नॉट है, ठीक है, सबके सब नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। यह है आपका बायोट सेवर्ट लॉ। सोनम लाइव आ चुकी है, सैम गेमिंग प्लीज गाइज अपने नाम भी लिख लेना, ओके सिद्धार्थ इज हियर, विमल इज हियर, ओके ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून एवरीवन, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं। तो जो हमने कांस्टेंट यूज किया था, देखो इसकी ये जो म्यू नॉट अपॉन 4π है, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4π है इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इस वैल्यू को नोट डाउन कर लेना सबके सब, 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं इसके साथ ही, म्यू नॉट अपॉन 4π इसकी कांस्टेंट वैल्यू आपकी स्क्रीन पे है। इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो ये होती है आपकी न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यानी अगर इसको न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम्पेयर और मीटर तो ऐसे लिखा जाता है ना। सबके सब कॉपी कर लो जो जो स्क्रीन पे सारे डेटा जल्दी से, विमल सोनम सिद्धार्थ जिया और प्लीज सबके सब इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, ये इसकी ऐसा यूनिट है म्यूनोट अपॉन 4π की आपकी स्क्रीन पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक इस तरीके से पूरा स्ट्रेट कंडक्टर है xy और मुझे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक पॉइंट है इस पॉइंट P पे, ठीक है, मुझे इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूं, तो ध्यान से समझना इस डेरिवेशन को, ठीक है। अपनी हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। फाइनाइट साइज मतलब मुझे इस कंडक्टर की लेंथ इस बार पता है, ठीक है। तो देखो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो इस तरीके से आपके पास एक वायर है ए बी, ये मैंने आपको दे दिया है ए, ये बी ये रहा और ए ये रहा, इस तरीके से आपके पास ए बी करके एक वायर है, ठीक है। और इस पे हमने एक छोटा सा देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इस पे करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। इस पे करंट फ्लो कर रहा है आई और एक हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ठीक है, ये रहा एक छोटा सा करंट एलिमेंट, ये दिख रहा है सबको EF, जो यहाँ पे EF है दैट इज ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है भी आपके लिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट FE एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम P, ये P से R दूरी पे, ये तो दिख रहा है R दूरी पे एक करंट कैरिंग एलिमेंट है FE, ठीक है। और इस करंट कैरिंग एलिमेंट की जो लेंथ है वो है DL, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। वेरी गुड आफ्टरनून हेमंत, साक्षी मनोरी इज हियर ऑल्सो, सॉरी श्रद्धा मनोरी इज हियर, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ओके प्लीज सबके सब जल्दी से लाइव आ जाओ, ठीक है। मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, मैं दोबारा से एक बार हेडिंग आप लोग अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हो,
आपको मैं कराने जा रहा हूं कि भाई किसी भी फाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आखिर वो कितना होता है, ठीक है, हम लोग इस चीज को समझेंगे अभी, ठीक है। ओके, तो यहां पे जो है आपके पास एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, सबके सब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। देखो मान लो हमें अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था म्यू नॉट आइडियल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आइडियल साइन थीटा की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो ध्यान से देखो सबके साथ अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि देखो साइन थीटा जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, अब वेक्टर प्रोडक्ट है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा हुआ है आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, लिख सकता हूं मैं इस तरीके से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, इसको हम कैसे लिख देंगे, आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पे अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास जो आइडियल है, देखो आइडियल आपका ये रहा, यह है आपका आइडियल, ठीक है, ध्यान से देखो, और यह है आपका आर, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा। अब अगर आप इसको नाम दो, अगर मैं इसको नाम दू अपने हिसाब से, तो देखो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, अगर मैं इसको ऐसे भी बोल दू, मान लो इस एंगल को इधर से भी मेजर कर लो आप इस तरीके से, तो भी 180 माइनस थीटा आप इसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या होगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में ये जो होगा आइडियल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 माइनस थीटा लेता हूं, जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी ली मैंने, 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बताएगा कोई, साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पे, जब ध्यान से देख सकते हैं, सब ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यहां पे क्या आ गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप दो ट्राइंगल ले लीजिए, एक तो है हमारे पास ट्राइंगल ई एफ जी, सबको दिख रहा है ई एफ जी ट्राइंगल, देखो डायग्राम में ये रहा आपके पास ई एफ और जी, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में मैं क्या कर सकता हूं, जो आपके पास ये वाला थीटा है, ठीक है, देखो मैं डायग्राम में मेंशन कर देता हूं आपको, ये आपके पास थीटा है, ठीक है, थीटा, ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर आप परपेंडिकुलर देखो तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ईजी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ईएफ, नहीं ईजी, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ तो परपेंडिकुलर क्या है ईजी और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास ईएफ, ईएफ, तो हम क्या लिख सकते हैं ईजी इक्वल टू ई एफ साइन थीटा, ठीक है ना, ये तो हो गया आपके पास पहली वैल्यू ई जी की, ठीक है। इसके बाद अगर आप बिल्कुल सेम तरीके से देखोगे इन द ट्राइंगल ई पी जी, ई पी जी ट्राइंगल में नोटिस करो सबके सब, देखो अपनी अपनी कॉपी भी सामने रखो अपने, ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे एक छोटा सा एंगल है आपके पास डी फाइव, मैंने मेंशन करा हुआ है स्क्रीन पे, यह है आपका एंगल डी फाइव, अगर आप यहां पे देखोगे जो साइन डी फाइव है तो इसके सामने जस्ट कौन सी साइड है ई जी, यानी कि ई जी जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगी आपकी ई पी, ठीक है। अब दोनों में ही अगर चाहे आप साइन थीटा ले लो, साइन थीटा हमने क्या लिया था ई जी अपॉन ई एफ, ई जी अपॉन ई एफ, ठीक है, अब ई जी जो है वो ई एफ साइन थीटा के बराबर है और जो ई जी जो है वो ई पी साइन थीटा के बराबर भी है, अगर आप दोनों में ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो लेट्स से इक्वेशन वन और इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं ef sin थीटा इक्वल टू ep sin del phi, तो देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा स्क्रीन पे, सबके सब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान से देखो सबके सब, देखो अब यहां पे क्या आ जाएगा dl sin थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा r del phi के बराबर, r del phi के बराबर, क्योंकि देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, ये लिख दिया मैंने ef sin थीटा इक्वल टू ई पी साइन डेल फाई, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका जो साइन थीटा होगा, देखो ई एफ जो है वो आपका किसके बराबर है, ई एफ जो है वो तो आपका डीएल है, डीएल साइन थीटा है ना, और जो आपका ईपी है वो आर के बराबर है, और साइन डेल फाई क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं आर डेल फाई, तो यानी कि जो डीएल साइन थीटा है वो किसके बराबर हुआ आर डेल फाई के बराबर, देखो मैंने आपकी स्क्रीन पे यहां पे
लिखा हुआ है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज से? देखो जो जो लाइव है प्लीज रिप्लाई करते रहो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय और ध्यान से समझना जरूरी है, सबके सब रिप्लाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ। तो ये आपका आगे आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो डीएल साइन थीटा सबको दिख रहा है, तो जो डीएल साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा? आर डेल फाई के बराबर, ठीक है। जो डीएल साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? आर डेल फाई, जैसे मैंने आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहां पर, ठीक है। और जैसे मैंने यहां पे पुट किया, इसके बाद क्या होगा, एक आर और एक आर यहां से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल फाई अपॉन आर, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां तक सबके सब नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे देखो, अब यहां पे आपके पास आ गया। अब आप ट्राइंगल देखोगे ईपीक्यू, इन ट्राइंगल ईपीक्यू, अगर आप ईपीक्यू ट्राइंगल को देखोगे तो यहां पे जो कॉस फाई है वो किसके बराबर है? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के बराबर, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से स्मॉल आर जो है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर अपॉन कॉस फाई के बराबर, ठीक है। तो इस वैल्यू को, ये जो आर की वैल्यू है, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमने पीछे निकाला था, म्यू नॉट अपॉन, देखो ये जो फॉर्मूला निकाला था ना हमने पीछे, ये देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डेल फाई अपॉन फोर पाई, यार फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में जो स्मॉल आर की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां से पुट करेंगे, ये रही स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास, आर अपॉन कॉस फाई, तो हमारे पास क्या आ गया, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई आर कॉस फाई, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। सबके साथ अपनी स्क्रीन पे देखते रहो ध्यान से, ठीक है, ये सबके पास वैल्यूज आ गई है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। देखो अगर मैं दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से होंगी आपकी स्क्रीन पे, सबको नजर आ रहा है ना। देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई कॉस फाई डेल फाई, यहां से हो गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, लेकिन कॉस फाई और डी फाई इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, ठीक है। अब क्या होगा, अपर लिमिट क्या है फाई टू और लोअर लिमिट क्या है फाई वन, तो हम यहां पे इस तरीके से इसको वैल्यूज को डालेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे मैंने आपको एक कंडीशन दी है यहां पे, तो इस कंडीशन को ध्यान से समझना। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि भाई जो फाइव वन है और फाइव टू है दोनों बराबर हैं, जो फाइव वन और जो फाइव टू है वो दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइन 90 इक्वल टू वन होगा, ऐसा ये सिचुएशन आ जाएगी आपके सामने। अब इसमें क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई प्लस इंटू टू, तो यह आ गया आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर के बराबर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बना आपके पास, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण अगर आप उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो किसी भी पॉइंट पी पे, जैसे ये पॉइंट पी है और इसमें जो फाइव वन और फाइव टू होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर ले लिया मैंने, जो फाइव वन है ये इस तरीके से और फाइव टू जो है वो इस तरीके से मैंने आपके पास इस तरीके से ले लिया। अब आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर के बराबर, ठीक है। ये एकमात्र सिचुएशन होती है जो आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आपको यहीं तक समझाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो यहां तक के अपने नोट्स अभी कंप्लीट कर दो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।